दोस्तों, बीते दिनों 1 फरवरी को भारत सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया, जिसमें मालदीव को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि इस बजट में टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए 2% का इजाफा हुआ है। इस बजट के घोषणा के बाद एक बार फिर से लक्षद्वीप और मालदीव की चर्चा तेज हो गई है। वजह यह भी है कि भारत के अंतरिम बजट में मालदीव को दी जाने वाली सहायता पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 22% घटा दी गई है। वहीं वित्त मंत्री के भाषण में लक्षद्वीप का जिक्र इसलिए अहम माना गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी को इस क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने यहां पर भ्रमण किया और लोगों से लक्षद्वीप जाने की अपील की, जो कि एडवेंचर पसंद करते हैं। वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। लेकिन मोदी के इस दौरे के बाद सोशल मीडिया पर उस समय विवाद खड़ा हो गया जब मालदीव के एक मंत्री और दूसरे नेताओं ने पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। विवाद यही नहीं थमा, कई भारतीयों और टूर ऑपरेटर्स ने भी मालदीव घूमने की योजनाएं कैंसिल कर दी थीं। बीते नवंबर में जहां मालदीव में मोहम्मद मुइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही भारत के साथ तनावपूर्ण संबंध बने हुए हैं। मुइजू को चीन के प्रति झुकाव रखने वाला नेता माना जाता है और उन्होंने अपने चुनावी अभियान में इंडिया आउट का नारा भी दिया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि भारत का मध्यम वर्ग भी अब घूमने और नई नई खोज की इच्छा रखता है। धार्मिक सहित हर तरह के पर्यटन में लोकल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रबल संभावनाएं हैं। अपने महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्रों के व्यापक विकास, उनकी वैश्विक स्तरीय ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा और इन पर्यटन केंद्रों में मौजूद सुविधाओं की गुणवत्ता के आधार पर इन्हें रेटिंग देने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की विकास परियोजनाओं को फाइनेंस करने के लिए राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से लंबी अवधि के लिए ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। घरेलू पर्यटन के प्रति बढ़ती रुचि के मद्देनजर बंदरगाहों की कनेक्टिविटी की परियोजनाएं, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं अब लक्षद्वीप सहित हमारे सभी द्वीपों तक पहुंचेंगे और इससे रोजगार पैदा करने में भी मदद होगी। लेकिन इन सब में खास बात यह है कि मालदीव की ओर से लगातार तीखे रवैये के बीच भारत ने अपने बजट में इस छोटे छोटे से द्वीप मुल्क के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और ये मदद विदेश मंत्रालय के जरिए विभिन्न स्कीमों के तहत मालदीव तक पहुंचेगी। हालांकि इस वित्त वर्ष 2024-25 में मालदीव को दी जाने वाली सहायता राशि को कम जरूर कर दिया गया है। अंतरिम बजट में इस साल 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि सरकार द्वारा किसी अन्य देश को दी जाने वाली तीसरी सबसे अधिक राशि है। हालांकि साल 2023-24 की बात करें तो यह राशि लगभग 780 करोड़ थी। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 में यह सिर्फ 183 करोड़ थी। दोस्तों, भारत के बारे में गलत टिप्पणी करना मालदीव के लिए महंगा पड़ा है। सुनने में आ रहा है कि मालदीव के प्रेसिडेंट को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आगे क्या होता है आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।